हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कूलम्स लॉ की, वो स्केलर फॉर्म में था, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो कूलम लॉ का हमने वहां पे क्या रिजल्ट पढ़ा था, दैट एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। और सेकेंड क्या पढ़ा था हमने, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। आर स्क्वायर को क्या बोलते थे हम लोग, इनवर्स स्क्वायर लॉ। लेकिन अपने यहाँ पे क्या देखना है, वेक्टर फॉर्म में देखना है। हमें पता है फोर्स क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज आपके पास कोई दो चार्जेस है बेटा, एक आपके पास Q1 चार्ज है, एक आपके पास Q2 चार्ज है, बोथ हैविंग द पॉजिटिव। दोनों को मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। दोनों का सेंटर से सेंटर जो डिस्टेंस है सेपरेशन का, वो कितने R, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। अब बोथ हैविंग द सेम चार्जेस, सेम चार्ज लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसने इसको उधर फोर्स लगानी है, इसने इसको इधर फोर्स लगानी है। Q1 Q2 के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, फोर्स Q1 ने Q2 पे लगाई, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसको वेक्टर क्वांटिटी है मेरे पास, ठीक है। अब Q2 ने Q1 पे कितनी फोर्स लगाई, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, ठीक है। बट जब Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, हम सबसे पहले एक चार्ज को कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी चार्ज मान लीजिए मेरे पास। मैंने लिया फर्स्ट चार्ज F12, इसको कंसिडर करके चलते हैं हम लोग, ठीक है। मुझे पता है जब मेरे पास फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मुझे दो चीजों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। सबसे पहली बात तो मुझे मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए उस फोर्स का, और दूसरा मुझे उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। वहां पे तो क्या है, ये मेरा स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ चल गया, बट वेक्टर क्वांटिटी में हमें उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए इस Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, R1 है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। सो R1 एंड R2 को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। इनका सेंटर से सेंटर डिस्टेंस क्या है, आर। दोबारा से समझाते हैं एक बार, क्यू वन चार्ज लिया, क्यू टू चार्ज लिया, दोनों ही मैंने पॉजिटिव मान लिए। इसने इसके ऊपर F21 फोर्स लगाई, इसने इसके ऊपर F12 फोर्स लगाई। इसका पोजीशन वेक्टर मैंने R1 माना, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने R2 माना। किसी भी एक चार्ज को कंसिडर करके उसके ऊपर हमने क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने फोर्स ऑन वन टू देखी, इसके ऊपर फोर्स क्या आएगी बच्चों मेरे पास, सबसे पहले मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो इस फोर्स का क्या है मेरे पास बच्चों, मैग्नीट्यूड है। क्या है इसका, मैग्नीट्यूड है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए मुझे, डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन कैसे मिलेगी मुझे, डायरेक्शन देखो, अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, पहले वाले की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो डायरेक्शन इसकी कैसे पता चलेगी, इसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, क्यू वन के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, क्यू टू लगा रहा है फोर्स, ठीक है। क्यू टू ने क्यू वन के ऊपर फोर्स लगाई, किस डायरेक्शन में लगाई इसने फोर्स, इस डायरेक्शन में लगाई, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्यू टू ने क्यू वन के ऊपर फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में लगाई, तो ये क्या आई, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। तो अब देखो क्या ये जो डायरेक्शन है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर वन माइनस आर टू, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, आर वन का मतलब क्या है मेरे पास, ये फाइनल पोजीशन, ये क्या है मेरे पास, इनिशियल पोजीशन। अगर आपको डायरेक्शन कंफ्यूजन हो कि इसको आर टू माइनस आर वन लिखना है या फिर आर वन माइनस आर टू लिखना है, आप एक याद रखो कि हमने क्या करना है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, ठीक है। फाइनल कौन से पोजीशन है मेरे पास, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर करना हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल है, फाइनल पोजीशन, यहां से फोर्स लगी ना, ये तो इनिशियल पॉइंट है, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई।
माइनस आर टू, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर माइनस आर वन, तो आर वन माइनस आर टू, ठीक है। तो ऐसे लिखने, तो इसका मेरे पास पोजीशन वेक्टर क्या आया, आर वन माइनस आर टू, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। बट ये तो मेरे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं इसकी, मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन लेने के लिए मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगी, यहाँ पे कैप, क्या लगाऊंगी यहाँ पे मैं कैप, दिस इज द कैप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप। कैप हमें क्या डोनेट करती है, डायरेक्शन बताती है इस पोजीशन वेक्टर की, दैट इज पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। कैप हमें क्या बताती है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर आपने इस यूनिट वेक्टर को चेंज करना है, इसको कैसे लिखोगे आप, इसका फॉर्मूला है दैट ए कैप इज इक्वल्स टू इसी का वेक्टर और इसी का मैग्नीट्यूड। इसी सेम यूनिट वेक्टर का हमने वेक्टर लेना है, ये देखो ए का कैप है ना, इसको कैसे लिखेंगे, ए का वेक्टर अपॉन ए का मोड, ठीक है। तो यही फॉर्मूला को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये क्या आएगी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मेरे पास मैग्नीट्यूड है, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का यूनिट कैप, इसका मतलब ये मेरे पास क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। इसको कैसे लिखेंगे हम, ए का वेक्टर इसी का वेक्टर इसी का मोड, कैसे लिखेंगे हम इसको, इसी का वेक्टर मतलब आर वन माइनस आर टू वेक्टर, ठीक है, इसका वेक्टर इसी का मोड, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का मोड, ठीक है। तो जो मेरे पास ये आर है बच्चों, ये पॉजिटिव है ना, ठीक है। पॉजिटिव को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, एफ वन टू वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन, इसको मैं मॉड आर भी तो लिख सकती हूँ ना, क्योंकि पॉजिटिव है, मोड लगाने से भी टर्म क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मॉड आर का स्क्वायर, ठीक है। ये एज इट इज रहेगी, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर वन माइनस आर टू वेक्टर। जो ये मेरे पास ये डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस है मोड आर, मोड आर मेरे पास क्या है बच्चों, ये देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मोड आर मेरे पास किसके बराबर है, इसके बराबर है पोजीशन वेक्टर के, आर वन माइनस आर टू के बराबर है, ठीक है। तो इस जगह पे आर को मैं आर वन माइनस आर टू से भी रिप्लेस कर सकती हूँ, क्योंकि सेम ही है बच्चों, ये इन दोनों का माइनस करके इसके ऊपर फोर्स निकाली, ये आर है जो मेरे पास, ये इसके बराबर ही है, आर वन माइनस आर टू, यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ, क्या लिखूंगी मैं, के क्यू वन क्यू टू। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, आर वन माइनस आर टू का मॉड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसी टर्म का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे ये एक है, तो कितनी टोटल हो जाएगी, आर वन माइनस आर टू का होल क्यूब, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का होल क्यूब इंटू आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग, ये मेरे पास वो फोर्स एक्ट कर रही है ऑन फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। सिमिलरली आप निकाल सकते हो इसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी, सिमिलरली आप निकाल सकते हो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इसको कैसे निकालोगे, इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, इसके ऊपर वो कौन सी डायरेक्शन आएगी बच्चों, वो कौन सी आएगी डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन आएगी। इसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, क्यू वन फोर्स लगाएगा, तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अभी मैंने बोला था ये आर वन और आर टू मेरे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर्स है, तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे आर वन माइनस आर टू था, लेकिन इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या आएगा, आर टू माइनस आर वन वेक्टर, ठीक है। इस डायरेक्शन में आर वन माइनस आर टू, इस डायरेक्शन में आर टू माइनस आर वन, दिस फॉर्मूला, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल, इनिशियल कौन है यहाँ पे, इनिशियल कौन है, आर वन, आर वन इनिशियल है और इसके ऊपर फाइनल फोर्स लगा रहा है आर टू के ऊपर, तो ये क्या है, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, आर टू माइनस आर वन, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, आर टू माइनस आर वन का होल क्यूब, ठीक है। सारा ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे आप इसको, आप इसको लिखोगे के क्यू वन Q2
Q2 अपॉन, मैंने बोला था इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में ऑपोजिट हो रहा है R2 माइनस R1, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, मोड का क्यूब, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसको भी एज इट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, सो ये मेरे पास क्या है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। तो आपको सिमिलरली लिखना है सारा कुछ, देखो अगर फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, यहाँ पे मैं लिख दूं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे टू माइनस वन आर टू माइनस आर वन, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, बस वन टू की जगह टू वन लिख देना है, ठीक है, वन की जगह टू, टू की जगह वन, बाकी सारा आर्टिकल सेम है। सो ये मेरे पास क्या है कि बेस लॉइन न्यूमेरिकल देखते हैं, फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज, एक चार्ज के ऊपर हमने फोर्स निकालनी है, Q1 चार्ज कितना है मेरे पास 20 माइक्रो कूलम है, ड्यू टू चार्ज Q2 माइनस 10 माइक्रो कूलम, इफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज इज गिवन एज, P के पोजीशन क्या दिए हुए हैं 1 माइनस 1 2, Q के क्या दिया हुआ है माइनस 1 1 1। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपके पास कोई दो चार्जेस हैं, ये Q1 चार्ज है, ये आपके पास Q2 चार्ज है, ठीक है। Q1 चार्ज कितना दे रखा है आपको 20 माइक्रो कूलम दे रखा है ना, और Q2 चार्ज कितना दे रखा है आपको माइनस 10 माइक्रो कूलम दे रखा है, माइक्रो कितना होता है 10^-6, ओके। उसके बाद आपको इसके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, R1 की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है इसने 1 माइनस 1 2, और R2 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने माइनस 1 1 1, ये दे रखी है, ठीक है। तो जो ये 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 और 1 है, ये मेरे पास क्या है, ये पोजीशन वेक्टर्स है, ये किसकी वैल्यूज है मेरे पास, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, ये x, ये y और ये z की वैल्यू है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको इस कोऑर्डिनेट्स है x y z, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है, इन कोऑर्डिनेट्स को हमने पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। x के साथ हम क्या लगवाते हैं आई कैप, x की डायरेक्शन आई कैप, y की डायरेक्शन j कैप, और z की डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास k कैप होती है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले R1 को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 के साथ आई कैप, माइनस 1 के साथ j कैप क्योंकि y की वैल्यू है, प्लस 2 के साथ क्या आएगा मेरे पास k कैप। अब R2 को लिख लेते हैं, R2 मेरे पास क्या आएगा माइनस 1 आई कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 k कैप आएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या है R1 और R2 की वैल्यूज है। अब हमने क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है, किसी के ऊपर भी फोर्स निकालो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 चाहे 2 ऑन 1, हम क्या निकाल रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा वेक्टर फॉर्म में क्या था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन मोड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, ठीक है। तो ऊपर क्या था मेरे पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो हमें यहाँ पे Q1 भी पता है कितना है, K की वैल्यू पता है, ये पता है, हम क्या निकालेंगे यहाँ से R1 माइनस R2 निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ से R1 माइनस R2, देखो बच्चों R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 मेरे पास क्या है 1 i कैप माइनस 1 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस का साइन है, फिर मेरे पास क्या है 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 k कैप, ओके। तो यहां से सॉल्व कर लो, ये ब्रैकेट ओपन करोगे सारे नेगेटिव बन जाएंगे, 1 i कैप माइनस 1 j कैप प्लस 2 k कैप, ये क्या आएगा मेरे पास माइनस 1 i कैप माइनस 1 j कैप माइनस 1 k कैप, ओके। तो ये मेरे पास आएगा, सॉरी यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस बन जाएगा, तो 1 i कैप और 1 i कैप क्या होगा मेरे पास 2 i कैप, ये क्या आएगा मेरे पास माइनस 2 j कैप प्लस k कैप, सेम को सेम से क्या करना हम लोगों ने ऐड करना, हमारे पास क्या आया 2 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 1 k कैप। अब हमें इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, जैसे मैं इसका क्या लूंगी अंडर रूट लूंगी, इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट लो स्क्वायर रूट लो, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर 4, माइनस तो स्क्वायर के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर फिर से 4 प्लस 1, ये कितना है मेरे पास 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है मेरे पास
थ्री, कितना होता है थ्री। अब ये सारी वैल्यूज को इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कितनी आएगी मेरे पास, के की वैल्यू कितनी है बच्चों, नाइन इंटू टेन रेज टू पावर नाइन, हमने लास्ट लेक्चर में भी रीड की थी। और क्यू वन की वैल्यू कितनी मेरे पास, 20 माइक्रो कूलम, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 20 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स इंटू, क्यू टू की वैल्यू कितनी मेरे पास, माइनस टेन माइक्रो कूलम, इसको क्या लिखूंगी मैं, माइनस टेन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स। और साथ में मेरे पास क्या है, आर वन माइनस आर टू का वेक्टर, उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे हम टू आई कैप मल्टीप्लाई टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या है मेरे पास, इस मोड का क्यूब, ये मोड कितना है मेरे पास थ्री, थ्री का क्या करना हमने क्यूब, थ्री का क्या करना हमने क्यूब, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये कितना आएगा मेरे पास, ये कितना आएगा बच्चों, 20 और ये माइनस 10, ये कितना आएगा मेरे पास, 20 और 10 200 हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एक 9 तो 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 एक रह गया, 3 की क्यूब है ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 एक तो 9 कैंसिल हो गया, एक 3 पेंडिंग है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे 20 इंटू ये मेरे पास क्या आएगा, माइनस 200 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 इंटू ये 10 रेज टू पावर माइनस 6 और 10 रेज टू पावर माइनस 6 कितना आएगा, 10 रेज टू पावर माइनस 12 इंटू ये कितना है मेरे पास, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास कितना बचा, एक 3 बचा, क्योंकि दो 3 तो 9 के साथ क्या हुए, कैंसिल हुए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एफ ऑन 1 2 कितनी फोर्स आएगी, ये माइनस 200 इंटू ये कितना आएगा, 10 12 में से 9 हो गए 6, माइनस का साइन आएगा 10 रेज टू पावर माइनस सॉरी 12 में से आएंगे 3, माइनस 3 आएगा ऊपर, 10 रेज टू पावर मेरे पास कितना आएगा, माइनस 3 इंटू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 3, बहुत इजी था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आगे क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन ही है बस, आपको मॉड निकालना है और यहाँ पे क्या निकाला आपने, ये आर वन माइनस आर टू, अब इसमें सिंपली यहाँ से कुछ नहीं करना, एफ वन टू इज इक्वल्स टू ये कितने मेरे पास, माइनस 200, ठीक है, और साथ में क्या है, टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, जो ये साथ में 10 रेज टू पावर माइनस 3 है ना, इसको जैसे ही मैं नीचे लेके जाऊंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 1000, ठीक है, इंटू 3, ओके। तो एफ वन टू ये कितना आएगा मेरे पास, सॉल्व करके, ये जीरो से जीरो कैंसिल होगी, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ही मैं टू को थ्री से डिवाइड करूंगी, टू को थ्री से डिवाइड करने से मेरे पास क्या आएगा, 0.6, लेकिन जो ये 10 है इससे मेरे पास क्या आएगा, माइनस 0.6 इंटू टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, नीचे मेरे पास क्या था बच्चों, 10 बचा, ठीक है, इस 10 को मैं पॉइंट में ही कन्वर्ट कर देती हूँ, तो मेरे पास फोर्स कितनी आएगी, माइनस 0.06 टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, तो यही हमने फोर्स निकालनी थी कि सो फाइंड द फोर्स, यही फोर्स निकालनी थी क्यू वन और ड्यू टू चार्ज क्यू टू की वजह से, फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू की वजह से, तो कौन सी फोर्स है मेरे पास, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू।